नमस्कार। आज का टॉपिक है समता एवं कक्षीय कोणीय संवेग, यानी कि पैरिटी एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नाभिक के कणों के लिए तरंग फलन लिखना मुश्किल है, किंतु हम जानते हैं कि न्यूक्लियनों यानी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की कोणीय गति के कारण वे नाभिकीय चक्रण में मदद करते हैं। कोणीय संवेग के सामान्य नियमों के अनुसार कोणीय गति एंगुलर मोशन क्वांटीकृत होना चाहिए, जिसका मान क्वांटम नंबर L से देते हैं। नाभिक की समता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। पाई बराबर है -1 पावर LP प्लस LN। यहां LP व LN क्रमशः प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग हैं, अतः नाभिक की सम L अवस्था के लिए समता भी सम होगी व विषम L अवस्था के लिए समता विषम होगी। अर्थात एक विषम तरंग फलन वो होगा जिसके ज्यामितीय निर्देशांकों के चिन्ह बदलने पर फलन का चिन्ह भी बदल जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी fxyz = -x - y - z के बराबर। L के किसी मान के लिए किसी एक अवस्था स्टेट की समता कोणीय संवेग ऑपरेटर द्वारा तय होती है। अतः प्रत्येक नाभिक की एक निश्चित समता होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों के L के मानों के योग से प्राप्त की जाती है। समता निर्धारण के लिए यदि हम सम प्रोटॉन सम न्यूट्रॉन नाभिक को ले तो हम देखते हैं कि इस नाभिक की स्पिन जीरो है। फर्मी गैस मॉडल के अनुसार न्यूक्लियनों का चक्रण युग्मन पेयरिंग के माध्यम से खत्म हो जाता है। इसलिए यदि कुल कोणीय संवेग शून्य है तो निश्चित रूप से कक्षीय कोणीय संवेग भी शून्य होना चाहिए। ऐसे में इस अवस्था में नाभिक की समता सम होनी चाहिए। यह भी पाया गया है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में समता संरक्षित रहती है, अर्थात प्राथमिक नाभिकों की कुल समता अंतिम नाभिकों की कुल समता के बराबर होती है।